कैलाश जी को लेके जिस तरह की चीजें, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो देश के अंदर भी और मध्य प्रदेश में भी जहां आवश्यकता है वो संगठन काम के लिए अपनी भूमिका सतत निभाते रहे और निभाते हैं। इसलिए इन 24 विधानसभाओं के उपचुनाव की दृष्टि से हमारी जो संचालन समिति है उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हम लोगों ने आंतरिक तौर पर विशेष कुछ जिम्मेदारियां उन सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे उस संचालन समिति के सभी सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने इंटरनल कुछ हमारी जिम्मेदारियां आपस में विभाजित हुई हैं, उसमें माननीय कैलाश जी मालवा की सभी पांचों सीटों को फोकस करके वो काम करेंगे। ऐसा संगठन ने उनके साथ तय करके उस काम की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास गंभीरता के साथ कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी उनको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दी है। जहाँ तक राजेश का सवाल है, राजेश अग्रवाल जी को भी संगठन से तय होकर के कि उनको भारतीय जनता पार्टी में, उनने व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त की थी कि मैं वापस आना चाहता हूँ, और उसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। इसलिए जो कुछ भी निर्णय हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर तय हुए हैं, इसलिए किसी के द्वारा प्रश्न खड़ा करना ये ठीक नहीं है। भंवर सिंह शेखावत जी ने जिन बातों को कहने का प्रयास किया है हम उनसे बात कर रहे हैं, बात करने के बाद फिर आगामी रणनीति के साथ हम तय करेंगे, कार्रवाई करेगी कि पार्टी के अनुसार। बिल्कुल, हमने उनको बुलाया है, बुलाने के बाद बात करेंगे, बात करने के बाद हमने पहले उनको भी बुलाया है, एक बार बात करेंगे, बात करने के बाद आगामी क्या होगा वो तय करेंगे।